गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई होप यू आर ऑल वेल विद योर फैमिली। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 7, टॉपिक 1.6। इट इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सिंचाई, जिसे अपन कहते हैं पौधों को पानी देना। एज वी नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू लिव। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है। स्पेशली प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर with the help of roots from the soil, and along with water minerals भी absorb करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि time to time, correct time पर हम जो crop plants होते हैं उनको water supply करते हैं। germination, seed का जो germination होता है वो भी नमी की वजह से ही होता है। अगर ड्राई कंडीशन होती है तो वहाँ जर्मिनेशन नहीं होता। जैसे अपन घरों में पल्सेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखते हैं लेकिन उनमें जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनको मॉइस्चर मिलता है, आपने देखे होंगे स्प्राउटेड बीन्स वगैरह आप लोगों ने खाए हुए हैं, तो उनको पहले हम वाटर के अंदर सोक करते हैं, फिर उसको वार्म कंडीशन में रखते हैं तो उसमें से जर्मिनेशन होता है। ठीक उसी तरीके से, नेचुरल तरीके से सॉइल के अंदर होता है। अब इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा जो इरिगेशन जो होता है वो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं।